मॉर्निंग बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एक्टिंग ऑन डाइपोल बेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने डाइपोल की वजह से एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन के इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की थी। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि किसी भी डाइपोल को जो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है उस पर टॉर्क एक्ट होगा या नहीं होगा। ठीक है, चलो बच्चों एक हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं ई। दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ठीक है बच्चों, इसकी डायरेक्शन यूनिफॉर्म, इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्योंकि दे आर इक्विडिस्टेंट एंड पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है बच्चों, तो दिस इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज पे हमने एक डाइपोल रख दिया है। ठीक है, दिस इज द डाइपोल। आपको पता है डाइपोल माइनस क्यू एंड प्लस क्यू सेपरेटेड बाय अ स्मॉल फाइनाइट डिस्टेंस। टू ए भी ले सकते हैं आप और टू ए भी ले सकते हैं, वो तो आपकी मर्जी है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें ये डाइपोल रखा गया है। ठीक है बच्चों, सपोज दिस डाइपोल, ये आपका माइनस क्यू है। ठीक है, सपोज दिस डाइपोल इज एट थीटा एंगल फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डाइपोल जो है वो थीटा एंगल पे रखा हुआ है। ठीक है बच्चों, चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये प्लस क्यू चार्ज की वजह से कितना फोर्स लग रहा होगा और किस डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से फोर्स लग रहा होगा क्यू इंटू ई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चों, तो ये इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा होगा। ठीक है, माइनस क्यू की वजह से फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा होगा और यहां पर फोर्स कितना लग रहा होगा बच्चों, माइनस क्यू ही, माइनस क्यू चार्ज की वजह से। तो नेट फोर्स बच्चों कितना होगा, प्लस क्यू ही माइनस क्यू ही, दैट कम्स आउट टू बी जीरो। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस डायपोल विल बी जीरो। सो इट मीन देयर विल बी नो लीनियर मोशन। क्या हुआ बच्चों, इसमें कोई भी लीनियर मोशन नहीं होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चल क्लास 11 में आप लोगों ने एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा था टॉर्क। टॉर्क के लिए कंडीशन आपको पता ही है, टॉर्क के लिए दो चीजें होनी चाहिए। क्या? एक तो फोर्स और दूसरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो आओ चेक करते हैं बच्चों। देखो फोर्स की डायरेक्शन ये है प्लस क्यू के लिए और माइनस क्यू के लिए ये है। तो ये हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो सकती है बच्चों, ये फोर्स प्लस क्यू ही, ये फोर्स माइनस क्यू ही, दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो सकती है बच्चों। तो चलो इसको एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ए बी सी, दिस इज 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो फ्रॉम दिस ट्रायंगल ए बी सी, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी व्हाट कैन यू सी अबाउट साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू निकालो, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है बच्चों, क्या है यहां पे बी सी। ठीक है, और हाइपोटेनस क्या है, ए बी। तो बी सी क्या निकल जाएगा बच्चों, ए बी साइन थीटा। तो ये हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब हम बात कर रहे हैं कि टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल बेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल रखा गया है तो क्या उस पर टॉर्क लग रहा होगा, चलो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो फॉर टॉर्क वी नो दैट टू एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स आर देयर, फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। चलो ठीक है, तो देखो बच्चों फोर्स कितना लग रहा है, आप प्लस क्यू की वजह से देखो या माइनस क्यू की वजह से देखो, क्यू ही फोर्स लग रहा होगा। तो फोर्स इज क्यू इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि हमने निकाला, दैट इज ए बी इंटू साइन थीटा। ए बी का मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों, यहां पे आप लोग देख रहे हो टू ए, टू ए इंटू साइन थीटा। नाउ टॉर्क क्यू इंटू टू ए, क्यू इंटू टू एल, कुछ याद आया बच्चों, यस दिस इज डाइपोल मोमेंट पी, ई विल रिमेन द सेम
देखो बच्चों, ना तो यहाँ पे पी जीरो है, ना ई जीरो है, ना ही थीटा जीरो है, तो देयर विल बी सम टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस डायपोल प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल पे टॉर्क लग रहा होगा एंड दैट टॉर्क इज पी इनटू साइन थीटा। समझ रहे हो बच्चों? अच्छा देखो, जैसे मान लो हमारा फैन है, फैन में देखो लीनियर मोशन नहीं है पर रोटेशनल मोशन है, मतलब इस पे नेट फोर्स तो जीरो है पर इस पे टॉर्क जीरो नहीं है। लाइक वाइज अगर डाइपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उस पे नेट फोर्स तो जीरो है, लीनियर मोशन तो नहीं होगा, बट यस देयर विल बी सम टॉर्क एक्टिंग ऑन इट। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है बात? एक चीज और ध्यान देना बच्चों, यहां पे मैंने लिखा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। अगर ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को प्लेस किया जाएगा तो ये कंडीशन नहीं बनेगी, तो वहां पे कुछ ना कुछ लीनियर मोशन भी होगा। है वो दूसरी चीज है, उसका इससे कुछ लेकर देना नहीं है, पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस होगा तो टॉर्क कितना लगेगा और लीनियर मोशन नहीं होगा। तो बच्चों अब कुछ स्पेशल केसेस की बात कर लेते हैं। जैसे हमने टॉर्क निकाला पी साइन थीटा, अब अगर थीटा जीरो है मतलब डायपोल इज अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और डायपोल भी हमारा इसी डायरेक्शन में अलाइन हो गया, व्हेन थीटा बिकम्स जीरो तो टॉर्क कितना हो जाएगा बच्चों? जीरो। कितना हो जाएगा? जीरो, मतलब देयर विल बी नो टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल व्हेन थीटा बिकम्स जीरो। सेकंड केस, अगर थीटा एंटी पैरेलल हो जाए, मतलब जो डायरेक्शन हमारे पी की है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की थी, तो थीटा जीरो था, टॉर्क जीरो था। अब मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये हमारा डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो, अगर एंटी पैरेलल हो तो भी टॉर्क कितना हो जाएगा बच्चों? जीरो, क्योंकि साइन बाई की वैल्यू कितनी होती है? जीरो। तीसरा केस, इफ थीटा इज 90 डिग्री, जब थीटा 90 डिग्री होगा तो क्या होगा बच्चों? जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हमारा डायपोल मोमेंट। ठीक है, पी और ई ओरिएंटेशन परपेंडिकुलर अगर हो जाए तो टॉर्क विल बी मैक्सिमम बच्चों। क्या हो जाएगा? टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? पी की। ठीक है बच्चों, ऐसे ही अगर एक और चीज हम लोग बनाना चाहते हैं, मान लो थीटा हमारा 270 डिग्री है, ठीक है, मतलब तीसरे क्वाड्रेंट की बात करें तो टॉर्क हमारा कितना हो जाएगा बच्चों? माइनस पी। समझ रहे हो बच्चों? तो दीज आर सम केसेस ऑफ टॉर्क। जब ओरिएंटेशन हम चेंज करेंगे पी और ई का तो क्या क्या केसेस बन सकते हैं? अब इसमें मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देना चाहूंगा जो आप लोग को लेकर के दिखाओगे कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इन टॉर्क एक्टिंग ऑन डायपोल प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक छोटा सा होमवर्क है जो आपको करके दिखाना है। सारी चीजें मैंने बता दी है, बस आपको दो कंडीशन ढूंढनी है कि कब स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात होगी और कब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात होगी। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट हम लोग बाकी लेक्चर्स में देखेंगे।